कोरोना की तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, ऑक्सीजन की प्रोग्रेस रिपोर्ट और तैयारियों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं चुनाव, परिसीमन के बाद बनेंगी विधानसभा की 7 सीटें। कोरोना वायरस के बाद एक और नए वायरस की भारत में एंट्री, केरल में गर्भवती महिला में पाया गया जीका वायरस। टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ती लोगों की भीड़ पर नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, कहा हमारी एक गलती आने वाले भविष्य में बन सकती है बड़ी मुसीबत। योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी को बताया विकास में बाधा की वजह, यूपी सरकार ला रही है नई जनसंख्या नीति। चीन से दुश्मनी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को सुनाई दो टूक, कहा गलवान के बाद बिगड़े रिश्ते, रूस के दौरे पर हैं विदेश मंत्री। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने कहा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे सकारात्मक, वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी को भी बताया संतोषजनक। आइजैक हर्जोग ने इसराइल के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ, कहा सभी नागरिकों की सेवा करना है मिशन। भारत और श्रीलंका के बीच आगामी वनडे सीरीज के पहले प्रैक्टिस मैच में हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ ने खेली तूफानी पारी, 13 जुलाई से शुरू होगी सीरीज। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन की मुश्किलें बढ़ी, सलमान और उनकी बहन अलवीरा खान पर चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप।